मेरे बेटे को कच्चे के डाकुआ ने उठा लिया है। अभी उनकी धमकी आई है जो उनका बंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो छोड़ दे हम आपके बेटे को छोड़ देंगे वरना कत्ल कर डालेंगे। पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में किस हालत में हैं? आज रात डाकू आए हैं, 20 के करीब एक हिंदू को उठा कर ले गए हैं। ये पाकिस्तान में हिंदू हैं, एक गांव है, छोटा सा गांव है जिधर पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं। तो अभी हम इनके घर चलते हैं, इनका घर भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये इनके घर कैसे हैं, कच्चे बनाए होते हैं और ये अपने मकामी ज़िम्मेदारों के पास काम करते हैं, वहाँ से इनका जो है घर का सिस्टम चलता है। ये एक हिंदू विलेज है जिसमें बिहारी जी का रात जो है बेटा यहाँ से कच्चे के डाकू उठा कर ले गए हैं। ये एक पाकिस्तान में हिंदू विलेज है जो मैं आज आपको दिखाने आया हूँ। ये हिंदू पाकिस्तान में बचपन से हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे और कुछ हिंदू इंडिया में। इसी तरह एक ये गांव है जो कि रात 11 बजे के करीब डाकू आए हैं, कच्चे के डाकू। आपने सुना होगा कि कच्चे के डाकू बहुत ख़तरनाक हैं और इनके घर में आए हैं। जैसे आए हैं तो यहाँ से 15 के करीब बंदे आए हैं जो कि इनके घर में घुस के इनका बंदा उठाया है, यहाँ से अगवा करके ले गए हैं। अभी मैं इनके घर वालों से भी आपको मिलवाता हूँ, इनके घर वालों से पूछते हैं कि कितने बंदे थे जो अगवा करके ले गए हैं। विलेज में आने के लिए यहाँ से रास्ता आता है जहाँ से रात डाकू जो है दाखिल हुए थे। ये आप सामने बाग देख रहे हैं और ये कमान की फसल है। कमान की फसल में भी छुप जाते हैं और ये बाग जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ से भी। ये बिल्कुल कच्चे का इलाका है, यहाँ पर कच्चे के डाकू आपने सुने होंगे, वही मशहूर हैं, यहाँ से आते हैं। और ये एक गांव है, छोटा सा गांव है, कोई 10-15 घर होंगे इनके हिंदू के। मैं आपको ना बिहारी जी के घर ले चलता हूँ। बिहारी जी का ये घर है जिसका बेटा यहाँ से अगवा हो गया है। तो ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बच्चे थे जी। अच्छा, ये बच्चे हैं इसके। तो ये इनके बच्चे हैं, इनका अगवा हो गया है। ये इनकी पूरी फैमिली बैठे हैं, तो ये इनकी पूरी फैमिली परेशान है घर से। बुजुर्ग खवातीन भी बैठी हुई हैं। उसकी बेगम कौन सी है, वो क्या लगती है माँ जी? लेकर तो जातो हूँ, जब बच्चों लोड़े में किरो तो इको नहीं छोड़ो बेना। मैं गरीब आनिया निया बच्चा अल्लाह वास्ते बेना छोड़े बच्चे ना। ये निया बच्चा गरीब आदमिया मैं पिना खावाना रहता हूँ, जब बच्चे ना छोड़े अल्लाह वास्ते। ये इनकी फैमिली है पूरी जो कि इनके घर में कोहराम मचा हुआ है, बिल्कुल रो रहे हैं। इनका जो है ना अगवा हो गया है। ये इनके घर की हालत है, बिल्कुल कच्चे घर है इनके। ये इस साइड से भी ये फसल है, यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ से भी इलाका दिखाऊं तो ये भी बिल्कुल कच्चे का इलाका है, पूरा कच्चे का इलाका है। यहाँ से डाकू आते हैं तो यहाँ से इनके गरीबों के घर में घुस के इनका एक बेटा उठा कर ले गए हैं। तो ये बिल्कुल घर वाले परेशान हैं। हुकूमत पंजाब से ये अपील करते हैं कि इनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए। ये मुनवर जी का घर है, देख लें, एक बिल्कुल ही कच्चा बना हुआ है जिसके ऊपर छत भी नहीं है। अभी इनका एक कमरा है, इसमें तो छत है लेकिन ये दूसरा जो है वैसे बनाया हुआ, इसमें अभी इसकी छत नहीं है। इनका साथ में ये मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पूजा करते हैं। ये पूजा करने की जगह है, थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी पूजा करने की जगह है। ये जो फैमिली है सारी परेशान बैठी है, इनकी जो ख्वातीन है वो रो रही थी। तो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरी इनकी फैमिली बैठी है।
सारे परेशान हैं। एक हिंदू विलेज पाकिस्तान में था जो यहाँ से रात डाकू बंदा उठा कर ले गए हैं। थोड़ी देर पहले इनको एक कॉल भी आई है। इनका ये डाकू का मुतालबा यही था कि उनका एक डाकू पुलिस ने पकड़ा हुआ है, अगर उनको रिहा कर दें तो इनके भाई को भी वो छोड़ देंगे। तो ये जितने भी हिंदू खड़े हुए हैं इनका यही मुतालबा है कि पुलिस से भी यही मुतालबा है और हुकूमत पंजाब से भी यही मुतालबा है कि इनके बच्चे को रिहा के करवाया जाए डाकू से। ये उनके वालिद खड़े हुए हैं, अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान से गुजारिश है। अच्छा आप बताएं, आपका भाई अगवा हो गया है? हाँ हाँ मेरा भाई। रात हुआ है? हाँ। क्या टाइम था रात? 11:30 से 12 के दरमियान था। रात 11:30 का टाइम था, आपका भाई कच्चे के डाकू उठा कर ले गए। हाँ। अब 20 बंदे थे आपके घर में घुसे हैं। हाँ। तो फिर यहाँ पर आपको मारा है, क्या किया, तशद्दुद किया आपके ऊपर? बाल बच्चों पर। अच्छा, हमला किया मतलब आपके ऊपर उन्होंने तशद्दुद भी किया है और एक आपका भाई उठा कर ले गए यहाँ से। फिर अभी कोई उनकी कॉल आई है आपके पास, कोई मुतालबा है उनका, क्या कहते हैं? हाँ, उनकी कॉल आई है कि उनके एक बंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कह रहे हैं जब तक हमारे बंदे को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके भाई को नहीं छोड़ेंगे, वरना मार डालेंगे हम आपके भाई को। अच्छा, कच्चे के जो डाकू हैं उनका एक बंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। अच्छा, वो आप कहते हैं कि वही बंदा अगर रिहा कर दें तो आपके भाई को फिर छोड़ देंगे। अभी हाँ। आप क्या अपील करते हैं पुलिस से, हुकूमत से? अपील करते हैं कि उनके बंदे को छोड़ दे और हमारा भाई वो हमें वापस कर दे। ये इनका भाई है जिस तरह रो रहा है आप देख रहे हैं, और ये इनका बूढ़ा वालिद खड़ा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये भी भाई है उनका या वालिद? मेरा बेटा है। आपका बेटा है? बेटा है मेरा। जी, हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि बड़ा मेहरबानी मेरे बेटे को वापस करवाए, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मुझे माफ़ी दे, मुझे मेरा बच्चा वापस करवाए सोने महबूब के सदके। ये जो कच्चे के डाकू हैं ये हिंदू गरीब हैं, ये भी आए यहाँ पर क्योंकि रहते हैं पाकिस्तान में, ये भी उनको जो है ना वास्ते दे रहे हैं अपने नबी के। और ये छोटा उसका भाई है, ये भी देखें रो रहा है। ये बाकी बुज़ुर्ग जितने भी खड़े हैं इनका एक ही मुतालबा है कि इनके बेटे को डाकू से जो है ना आज़ाद करवाया जाए। आप बोलें कुछ? मार डालूंगा।